साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जिसमें फेक स्टेरॉयड, फेक पेप्टाइड और फेक सप्लीमेंट की चर्चा रही, जो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये हमारे देश के नौजवानों से जुड़ा है। मेरी सभी एथलीट से अपील है कि इस तरह की फेकनेस से बचें, एक अवेयरनेस लाएं। जो भी एथलीट इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, वो ये इंश्योर करे कि वह प्रोडक्ट सेफ है, ओरिजिनल है और उसको प्रॉपर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के साथ एक प्रॉपर डोज के तरीके से सेफ वे में यूज करें और अपना करियर बनाएं, अपने लिए, देश के लिए मेडल हासिल करें। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा हमारे देश के बहुत अच्छे सीनियर एथलीट्स, कुछ जूनियर एथलीट्स इस फेकनेस के चलते अपनी जान गंवा बैठे। तो मेरी आप सभी से अपील है, इन सब चीजों की रोकथाम में इस फिटनेस इंडस्ट्री का सहयोग करें और आगे बढ़ें। अभी मेरठ में हमने 8 सितंबर को देखा कि फेक सप्लीमेंट का एक जखीरा पकड़ा गया, जिसके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें सेक्शन 419, 420, 467, 468 आईपीसी के तहत चीटिंग और फ्रॉजरी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें तकरीबन 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इस तरह की फेकनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक्ट 1940, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी मिसब्रांडेड ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और स्पूरियस ड्रग्स, इन तीन कैटेगरी के तहत इस तरह के फेक प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन किया गया है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रोविजन है। तो मेरी अपील है, आप सभी लोग पूरा सहयोग करें, आगे बढ़े, देश के साथ अपना भी नाम रोशन करें और इस तरह के फेक प्रोडक्ट्स को मार्केट में ना आने दें।